नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 11 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो नोट 11 में 6.47 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि नोट 11 से कम है। विड्थ की बात करें तो नोट 11 में 3.02 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि नोट 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो नोट 11 में 0.31 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि नोट 11 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो नोट 11 में 184.5 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नोट 11 में AMOLED जबकि Redmi Note 11 SE में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो नोट 11 में 6.7 इंचेस जबकि Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नोट 11 में 86.06% जबकि Redmi Note 11 SE में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो नोट 11 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो नोट 11 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 SE की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो नोट 11 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 SE की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो नोट 11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 11 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो नोट 11 में माली G52 MC2 जबकि Redmi Note 11 SE में माली G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो नोट 11 में MediaTek Helio G88 और Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो नोट 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो नोट 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो नोट 11 में अप टू 512GB जबकि Redmi Note 11 SE में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो नोट 11 में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11 SE में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नोट 11 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi Note 11 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Infinix Note 11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 SE की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 11 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11 SE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Vivo Y20 है, तीसरा Oppo A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।